फेवरेटिज्म और नेपोटिज्म ने बॉलीवुड की नींव पर ऐसा हमला किया है कि कई दिग्गज एक्टर्स बेरोजगार हो गए हैं। फ्लॉप होने के बाद कुछ एक्टर्स को लगातार काम मिल रहा है, तो दूसरी तरफ उन दिग्गज एक्टर्स से काम छीना जा रहा है जिन्होंने अपनी अदाकारी से हिंदी सिनेमा को ऊंची उड़ान दी। ये चेहरा तो आपको याद ही होगा, इस चेहरे ने ना जाने हमें कितना हंसाया है। अंदाज अपना अपना से लेकर राजा हिंदुस्तानी, हम हैं कमाल के, हंगामा और ढोल जैसी सैकड़ों फिल्मों में टीकू तलसानिया ने ऐसी कॉमेडी की कि हंसते हंसते लोगों का पेट दुखने लगा। लेकिन आज टीकू जैसा कलाकार दर दर भटक रहा है। टीकू ने खुद बताया है कि उन्हें काम नहीं दिया जा रहा, वो बेरोजगार हो गए हैं। इतने सीनियर एक्टर होने के बावजूद वो जगह जगह जाकर ऑडिशन दे रहे हैं लेकिन उन्हें कोई रोल नहीं मिल रहा। 200 से ज्यादा फिल्मों में काम करने के बावजूद अब इंडस्ट्री में टीकू के लिए कोई जगह नहीं है। टीकू बहुत परेशान है। हाल ही में इंडियन एक्सप्रेस को दिए इंटरव्यू में टीकू ने अपना दुख बयां करते हुए कहा, मैं आज के समय में थोड़ा जॉबलेस हूँ, अच्छे रोल्स पाने के लिए ऑडिशन दे रहा हूँ। आज के समय में अगर कोई काम मेरे पास आता है तो मैं उसे मना नहीं करता, उसके साथ आगे बढ़ने की सोचता हूँ। पिछले कुछ समय से मेरे पास काम नहीं आ रहा है, मेरे लिए खुद के लिए काम ढूंढना काफी मुश्किल होता जा रहा है। मैं फिल्मों या टीवी से दूर नहीं हुआ हूँ, बस एक रोल ढूंढ रहा हूँ जिसमें मैं फिट हो सकूँ, जो रोल मुझ में फिट हो सके। मुझे काम करना पसंद है, मैंने कोई रिटायरमेंट नहीं ली है, रोल तो मिलना चाहिए ना, वरना बताओ मैं कैसे सर्वाइव कर पाऊंगा। अगर कोई रोल मुझे लंबे वक्त तक ऑफर नहीं हुआ तो, ऐसा कहते कहते टीकू रुक गए। टीकू ने बताया कि वो रोज कॉल करके काम मांग रहे हैं, वो फिल्म मेकर्स को मैसेज और ईमेल भेजकर गुजारिश कर रहे हैं कि उन्हें काम दिया जाए। टीकू कहते हैं कि कोई भी रोल मिलेगा तो वो हाथ से नहीं जाने देंगे। टीकू पिछले 40 सालों से फिल्मों में काम कर रहे हैं। बॉलीवुड में फैला ये भेदभाव कई अच्छे एक्टर्स को निगल रहा है। टीकू जैसे न जाने कितने एक्टर्स इसी दौर से गुजर रहे हैं। टैलेंट ना होने के बावजूद लप्पू झप्पू से एक्टर्स को काम मिल रहा है और यहाँ टीकू जैसे लोग काम की भीख मांग रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, बॉलीवुड पे चर्चा।